नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 10 भारतीय बॉडी बिल्डरों के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, नीरज कुमार। नीरज कुमार भारत के टॉप 10 बॉडी बिल्डर्स में से एक है। नीरज कुमार एक युवा बॉडी बिल्डर और बहुत प्रतिभाशाली है। नीरज कुमार ने अपने करियर में कई चैंपियनशिप जीती। नीरज कुमार ने 2013 में मिस्टर इंडिया के खिताब के साथ स्वर्ण पदक जीता। WBPF में कांस्य के साथ नीरज कुमार ने कांस्य के साथ मिस्टर वर्ल्ड का खिताब जीता। नीरज कुमार ने कई अन्य चैंपियनशिप भी जीती हैं। नंबर 9, हीरा लाल। हीरा लाल भारत के अन्य बॉडी बिल्डरों से अलग है क्योंकि यह शुद्ध शाकाहारी है। हीरा लाल ने केवल शाकाहारी उत्पाद जैसे शाकाहारी भोजन खाकर इतना बढ़िया बॉडी बनाई है। हीरा लाल ने 2011 में 65 किग्रा वर्ग में मिस्टर वर्ल्ड का खिताब जीता। अपने करियर में हीरा लाल ने कई अन्य उपलब्धियां भी हासिल की। नंबर 8, अंकुर शर्मा। अंकुर शर्मा भारत के सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं। अंकुर शर्मा दिल्ली के रहने वाले हैं। वो भारत के सबसे ऊर्जावान बॉडी बिल्डरों में से एक हैं। अंकुर शर्मा 2013 में मिस्टर इंडिया चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे। अंकुर शर्मा ने 2013 में WBPF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता और 2012 में मिस्टर इंडिया का खिताब भी जीता। अंकुर शर्मा भारत के सबसे कम उम्र के बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं। अंकुर शर्मा ने भारत में कई खिताब जीते। नंबर 7, वरिंदर सिंह घुमन। वरिंदर सिंह घुमन भारत के सबसे लोकप्रिय बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं। अपनी गठीले शरीर के लिए वरिंदर सिंह घुमन काफी लोकप्रिय हैं। वरिंदर सिंह घुमन ने सिनेमा में काम किया है। वरिंदर सिंह घुमन ने 2009 में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता। मिस्टर एशिया में वरिंदर सिंह घुमन को दूसरा स्थान मिला। अपने बॉडीबिल्डिंग करियर में वरिंदर सिंह घुमन ने कई स्वर्ण पदक जीते। वरिंदर सिंह घुमन शुद्ध शाकाहारी हैं। वरिंदर सिंह घुमन अन्य देशों में स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों का प्रचार करते हैं। नंबर 6, अमित छेत्री। अमित छेत्री भारत के गोरखा बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं। 2013 में आमिर छेत्री ने चैंपियन फेडरेशन कप जीता। 95 से 100 किलोग्राम भार वर्ग में अमित छेत्री को सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डर्स में से एक चुना गया। 55 से 100 किग्रा के बीच वजन के साथ बॉडी बिल्डिंग की 9 अन्य श्रेणियों में अमित छेत्री को सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डर भी चुना गया। अमित छेत्री भारत के मेहनती और प्रतिभाशाली बॉडी बिल्डरों में से एक हैं। नंबर 5, सुहास खामकर। सुहास खामकर का जन्म बॉडी बिल्डरों के परिवार में हुआ है। सुहास खामकर भारत के सबसे अलग बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं। सुहास खामकर ने पढ़ाई पूरी करने के बाद बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर शुरू किया। कई चैंपियनशिप में सुहास खामकर ने हिस्सा भी लिया। सुहास खामकर ने 9 बार मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है। इसके अलावा उन्होंने मिस्टर ओलंपिक एमेच्योर का खिताब और मिस्टर एशिया का खिताब भी जीता है। अपने जीवन में सुहास खामकर ने 7 बार मिस्टर महाराष्ट्र का पुरस्कार भी जीता। नंबर 4, राजेंद्रन मणि। 15 साल तक भारतीय सेना में सेवा देने के बाद राजेंद्रन मणि ने बॉडी बिल्डर बनने का फैसला किया। राजेंद्रन मणि भारत के सबसे अनुभवी और मेहनती बॉडी बिल्डरों में से एक हैं। राजेंद्रन मणि ने 8 बार चैंपियनों के चैंपियन का खिताब जीता। इसके अलावा उन्होंने मिस्टर इंडिया का खिताब भी जीता। 8 बार चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब एक रिकॉर्ड है और अब तक ये किसी के द्वारा नहीं तोड़ा गया है। राजेंद्रन मणि का वजन लगभग 90 किलो है। राजेंद्रन मणि ने बॉडी बिल्डिंग की विश्व चैंपियनशिप भी जीती है। नंबर 3, मुरली कुमार। टॉप 10 भारतीय बॉडी बिल्डरों की सूची में मुरली कुमार का नाम आता है। मुरली कुमार ने कभी बॉडी बिल्डर बनने के बारे में नहीं सोचा था। 35 साल की उम्र में मुरली कुमार ने वेट लिफ्टिंग और वर्कआउट शुरू किया। मुरली कुमार भारत में नए बॉडी बिल्डर्स की प्रेरणा है। 2012 में एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मुरली कुमार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया। मुरली कुमार भारत के टॉप बॉडी बिल्डरों में से एक है। मुरली कुमार ने 2013 और 2014 में लगातार मिस्टर इंडिया का खिताब जीता। मुरली कुमार ने भारतीय सेना में भी काम किया है। नंबर 2, संग्राम चौगुले। संग्राम चौगुले एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और भारत के सबसे अच्छे बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं। संग्राम चौगुले भारत के पुणे शहर से हैं। संग्राम चौगुले ने थाईलैंड में 85 किलोग्राम की श्रेणी में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता। इसके अलावा उन्होंने 2012 की विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कई अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। संग्राम चौगुले रोजाना आधा किलो चिकन और 1 किलो मछली खाते हैं। संग्राम चौगुले उबली हुई सब्जियां खाते हैं और बहुत सारा दूध भी पीते हैं। संग्राम चौगुले ने भारतीयों के लिए कई खिताब जीते। संग्राम चौगुले ने 2015 में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता था।
हालांकि संग्राम चौगुले का कंधा दुर्घटना में घायल हो गया था, उसके बाद संग्राम चौगुले किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी संग्राम चौगुले सर्वश्रेष्ठ भारतीय बॉडी बिल्डरों में से एक हैं। नंबर वन, प्रशांत सुलुके। 2015 में प्रशांत सुलुके ने सबसे प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर सुहास खामकर को हराकर मिस्टर इंडिया का खिताब जीता। प्रशांत सुलुके ने 2016 में जेराई श्री और मुंबई श्री की भी प्रतियोगिता भी जीती। प्रशांत सुलुके अपनी बॉडी और पदकों के हिसाब से निस्संदेह भारतीय बॉडी बिल्डरों में नंबर एक हैं।